चंदेरी SDM रचना शर्मा ने तहसीलदार दीपक शुक्ला के साथ शासकीय मॉडल स्कूल का औचक निरीक्षण किया। एक एक कक्षा में जाकर बच्चों से बातचीत की, पढ़ाया भी, उनके विषय ज्ञान को भी टटोला और उनकी परेशानियों को भी सुना। SDM रचना शर्मा ने शैक्षणिक गतिविधियों के लिए तैयार किए गए सुसज्जित कक्षों में स्पोर्ट रूम, अटल लैब, मेडिकल रूम, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, पुस्तकालय, संगीत कक्ष और मैथ लैब, कंप्यूटर लैब आदि का बारीकी से निरीक्षण किया। सभी प्रकार के कक्ष बहुत सुंदर और व्यवस्थित थे। इलेक्ट्रॉनिक लैब में रखे 3D प्रिंटर और दूरदर्शी को देखकर SDM बहुत प्रसन्न हुई। प्रिंटर से बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बच्चे यहाँ रोबोटिक्स पर भी काम कर रहे हैं। जब बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में आ रही परेशानियों को जानने की कोशिश की गई तो बच्चों ने पूर्व प्राचार्य कटारे सर को पुनः मॉडल स्कूल में लाने के लिए गुहार लगाई। जी आज वैसे हम मतदान केंद्र VLOR काम का निरीक्षण करने के लिए निकले थे, तो उसी तारतम्य में यहाँ भी मतदान केंद्र है, तो मॉडल स्कूल का आज मैंने पहली बार निरीक्षण किया। ये स्कूल में कह सकती हूँ कि ये स्कूल में जितनी मेहनत और जितना समर्पण यहाँ के प्राचार्य, यहाँ के पूरे स्टाफ और बच्चों ने किया है उसको आप देख ही सकते हैं। इस स्कूल को बनाने में उनका जो समर्पण रहा होगा वो आज भी आप यहाँ का खुद ही पूरा स्कूल विजिट करके आपको समझ में आ जाएगा। और बच्चों का ज्ञान का स्तर भी बहुत अच्छा है। एक शासकीय स्कूल इतना अच्छा स्कूल के रूप में स्थापित होना अपने आप में बहुत ही रेयर है। मॉडल स्कूल के तौर पे स्थापित ये मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश का सबसे सर्वोच्चतम, जो अच्छी विद्या का स्तर भी जहाँ अच्छा है, ज्ञान का और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का पूरा ऑरा पॉजिटिव माहौल है। तो इस प्रकार का स्कूल अगर हमारे पूरे प्रदेश में सभी मॉडल स्कूल की तरह हो जाए तो मुझे लगता है बच्चों के ज्ञान के स्तर में और सभी चीज़ों में बहुत अच्छी प्रगति आएगी। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। इसकी मैंने लैब्स भी देखी, फिजिक्स की लैब, अटल टिंकरिंग लैब, उसमें अलग अलग स्पेस से रिलेटेड भी चीज़ें, बच्चे 3D प्रिंटर भी है, बच्चों ने रोबोटिक्स पे भी काम किया है। तो मैंने अपने आप में ये मेरा पहला अनुभव है, इससे पूर्व में भी मैंने स्कूल के विजिट किए लेकिन मॉडल स्कूल अपने आप में बहुत अलग स्कूल है, बहुत यूनिक है और साथ ही साथ पढ़ाई का स्तर, बच्चों का स्तर भी बहुत अच्छा है। तहसीलदार तथा SDM ने लैब की देखरेख में खुद आगे बढ़कर मदद करने का आश्वासन भी दिया। मृदुभाषी प्रदेश के लिए चंदेरी से बंटी यादव की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।